नमस्कार, glips.in में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है और सभी जुटे हुए हैं माँ को मनाने में, इस शक्ति की आराधना के पर्व पर माँ को मनाने में। हम भी आपके लिए इस नवरात्रि को खास आपके लिए बेहतर बनाने के लिए, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए हमने भी एक कोशिश की है। हम अपने ज्योतिषाचार्य श्री आमोद सक्सेना जी को लाए हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ऐसा क्या करें कि आपका भाग्य प्रबल हो। नमस्कार दर्शकों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आपके अच्छे समय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रि और ज्योतिष का क्या ऐसा महत्व है, क्या संयोग है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? अनुपमा जी, आपके इस प्रश्न में दो चीज़ें हैं, एक नवरात्रि का पर्व और दूसरा ज्योतिष। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष इंग्लिश में उसको कहते हैं आर्ट ऑफ लाइट। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वही ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब है जो हमको अंधकार में प्रकाश की तरफ ले जाए, वो ज्योतिष है। यहाँ पर मैं सर्वप्रथम हमारे प्रथम प्रकाशित ग्रंथ, जो विश्व का पहली किताब, पहला ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद के एक श्लोक का जिक्र करना चाहूँगा। फलानी गृहचराणी सूचयंती मनीषिणः, को वक्ता तारतमस्य तमेकं वेत्सः। इसका मतलब एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये बात असेस कर सकता है कि व्हाट मे हैपन इन योर फ्यूचर, क्या हो सकता है। ओनली लॉर्ड ब्रह्मा हैज 100% अथॉरिटी टू से इन कॉन्फिडेंस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ज्योतिष जो है वो संभावनाओं की तलाश का एक विज्ञान है। और हमारे वैदिक धर्म में जितने भी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं वो पूरी तरह से ज्योतिषी गणना के अनुसार मनाए जाते हैं। जिस तरह जैसे ही सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होता है उस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। जैसे इस वर्ष 17 तारीख को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश किया तो 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है। नवरात्रि का जो पर्व है वो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है जब सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तब नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होता है। यह अमावस्या का दिन होता है और इस दिन सूर्य और चंद्र एक साथ एक ही राशि में कन्या में आते हैं, तब जो है नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इसी तरह दीपावली का जो पर्व है वो जब सूर्य और चंद्र दोनों तुला राशि में आते हैं, यानी अमावस्या का दिन होता है, कार्तिक मास की जब अमावस्या होती है तब दिवाली का पर्व जो है। जातक ऐसा क्या करें कि उन्हें अपने चंद्रमा और सूर्य को साथ रखकर और उसको बढ़ा करके वो अपना किस तरह से वो भाग्य को प्रबल बना सकते हैं? देखिए, सूर्य कारक होता है आत्मा का और चंद्रमा कारक होता है मन का। जब सूर्य और चंद्र दोनों एकीकृत हो जाएं, जैसे कि तुला राशि में जब होते हैं तो दीपावली का पर्व मनाया जाता है अमावस्या के दिन। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक तौर पर जब हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा अलाइन हो जाए, जब वो एक साथ मिल जाए, यानी हम दुनिया के सभी माया मोह को छोड़कर उस परम तत्व में विलीन हो जाएं, उस स्थिति को सूर्य और चंद्र का साथ इंडिकेट करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि चंद्रमा का संबंध जो है वो मन से होता है। यहाँ तक कि लैंग्वेज ने भी ये मान लिया है कि चंद्रमा का संबंध मन से होता है। जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है लूना, इसका मतलब होता है चंद्रमा, और अंग्रेजी में ही एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लूनेटिक, यानी कि पागल व्यक्ति। तो लैंग्वेज ने माना, मेडिकल साइंस भी आज एक्सेप्ट कर रही है कि अमावस्या के समय सबसे ज़्यादा पागलखाने से डिस्चार्ज होते हैं और पूर्णिमा के समय सबसे ज़्यादा पागलखाने में लोग एडमिट होते हैं। साथ ही विश्व में ये आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड्स जो हैं वो पूर्णिमा के आसपास होते हैं। तो ये बात अब पूरी तरह साबित हो गई है कि चंद्रमा यदि अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमारे सोचने, समझने और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। ये जो बात कह रहे हैं वो सभी जातकों के लिए है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जो है वो सभी को बहुत प्रबल रूप से प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें। हाँ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि हम अपने मन की शक्ति को कैसे स्ट्रांग करें, यानी यदि हम चंद्रमा को स्ट्रांग करेंगे तो हमारे जीवन में मन की शक्ति जो है वो स्ट्रांग होगी, हम सही डिसीजन ले पाएंगे, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी, एंड वी विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस इन आवर लाइफ। तो चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए माँ और माँ तुल्य जितनी भी स्त्रियाँ हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें माँ और माँ तुल्य स्त्रियों से मिलेगी, हमारे जीवन में चंद्रमा का उपाय होगा, चंद्रमा खुश होगा और हम सही डिसीजन लेने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा,
अच्छा, अब एक जरूरी जिसके लिए सब हमारे सामने बैठे हैं कि किस तरह से सभी अलग अलग राशि के जातकों के लिए ये कैसा रहेगा नवरात्रि और उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति का पर्व होता है। जो आप अभी 9 दिनों में करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट देंगी। तो मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा और वृषभ पर क्या होगा, इस तरह से 12 राशियों का क्या फल रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए, ये मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सूर्य जो कि कारक है हमारी आत्मा का, हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्रोतम की दीक्षा दी थी। आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ करने से हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जीवन में अपनी आत्मा को प्रबल बनाकर उस सर्व तत्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान राम रावण के ऊपर अटैक करने जा रहे थे तो उस समय अगस्त ऋषि उनको मिले और उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या तैयारी है। वो बहुत वीर है, प्रतापी है, ज्ञानी है, बलशाली है, शिव भक्त है, आप उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, आपकी क्या तैयारी है। तो भगवान राम ने कहा कि बस यही सब भालू बंदर है मेरे पास में। तो उन्होंने कहा ये भालू बंदर है, इनके दम पे तुम रावण को नहीं हरा सकते। तब उन्होंने आदित्य हृदय स्रोतम सूर्य के आराधना की दीक्षा उनको दी। तो आदित्य हृदय स्रोतम पढ़ने से हमारे जो सूर्य है वो बलवान होता है और हम आत्मिक शक्ति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ छोटे उपाय भी होते हैं, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है वो सुबह पढ़ना चाहिए। उसके लिए सुबह लोगों का आज दिनचर्या ऐसी हो गई कि देर से उठते हैं, तो केवल पानी जल चढ़ा देने का भी कोई महत्व होता है उसमें? जी हाँ, उसके लिए तांबे के पात्र में जल, शुद्ध पेयजल भर लें और उसमें एक दाना मिश्री का डाल के सूर्य की तरफ करके अर्थ देने से भी सूर्य स्ट्रांग होता है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से लोग हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन संस्कृत। हालांकि आदित्य हृदय स्रोतम का हिंदी इंग्लिश हर चीज़ में ट्रांसलेशन हुआ है एंड इट इज़ अवेलेबल इन नेट ऑल्सो। तो यदि आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो तांबे के पात्र में जल और मिश्री डालकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अच्छा, आपने ये बहुत बड़ी बात बताई कि किस तरह से आप एक लैंग्वेज को भी आपने उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि प्रेयर तो प्रेयर होती है, प्रार्थना तो प्रार्थना होती है। अगर आपके दिल से निकली है तो वो सीधे ईश्वर तक पहुँचेगी और वो अपना काम भी करेगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि किस तरह से राशियों के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या फल होगा और उन्हें करना क्या चाहिए। हाँ, तो 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में सबसे पहली राशि जो होती है वो मेष। मेष राशि का जो स्वामी है वो होता है मंगल। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस नवरात्रि में मेष राशि के पंचम स्थान में मतलब सिंह राशि में इस समय बुध, मंगल और शुक्र मौजूद हैं। बुध, मंगल, शुक्र के होने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, क्रिएटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इस पीरियड में इंटेलेक्चुअली वो सोच सकता है। साथ ही छठे स्थान में सूर्य और चंद्र होने के कारण थोड़ा सा दाहिने पैर में कोई तकलीफ हो सकती है। बाकी ये पूरी नवरात्रि इनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं। अच्छा, उन्हें करना क्या चाहिए? मेष राशि के जातक के ऊपर यदि जो छोटी मोटी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए मेष राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती की अर्घ्य स्रोतम का पाठ करना चाहिए दिन में 5 बार। ये पूरे 9 दिन दिन में 5 बार अर्घ्य स्रोतम का पाठ करें और ये 9 दिन के बाद आगे प्रतिदिन अर्घ्य स्रोतम का पाठ करें, उन्हें जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती का ये चैप्टर आपको गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में 30 नंबर के पृष्ठ में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही डिवाइन और बहुत पावरफुल है। आप उसको करके अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातकों को के लिए कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए उन्हें? वृषभ राशि के जातकों के पंचम स्थान में ही इस समय सूर्य और चंद्र का भ्रमण हो रहा है। सूर्य के कारण उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्र के कारण वे बहुत ज़्यादा इमोशनल और क्रिएटिव हो सकते हैं। साथ ही उनके सप्तम स्थान में शनि का इस समय भ्रमण है। सप्तम स्थान में शनि होने के कारण उनको थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। वृषभ लग्न का तो स्वामी ही शुक्र है और शुक्र की जो डाइटी गॉड हैं वो गॉडेस दुर्गा ही हैं। तो वो आजीवन सिद्ध कुंजिका स्रोतम का यदि अगर पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्रोतम का पाठ करने का अपने नियम है, नवरात्रि के प्रथम दिन एक घी का दिया लेकर दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और वहां बैठ करके सस्वर इसका पाठ करें और इसके बाद बाकी के दिन घर में ही दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दिया जला करके सस्वर बोल करके इसका पाठ करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा,
प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। राशि और लग्न ये दोनों अलग अलग हालांकि होते हैं, लेकिन क्या ये उन दोनों के लिए, अगर राशि का आप जो फल बता रहे हैं और लग्न भी, तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट होता होगा, होता है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कलयुग में हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस लिखी गई है उसके ऋषि थे ऋषि पाराशर। 5000 साल पहले उन्होंने यह लिखा था। पाराशर होरा शास्त्रम इज द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक इन एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद वराह मिहिर की जातक पारिजात, कल्याण वर्मा की सारावली, कालिदास की उत्तर कालामृत, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स, ओल्ड क्लासिक्स आई, लेकिन पाराशर होरा शास्त्रम जो है वो पहला है। 5000 साल पहले के सिद्धांत आज पूरी तरह से लागू नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमको उनको बदल करके चेंज करके देखना होता है। तो आज के समय, पुराने ज़माने में ठीक था कि राशिफल चंद्र राशि के अनुसार जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता था उसके अनुसार देते थे, लेकिन आज के ज़माने में लग्न के अनुसार जो ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, उसके साथ प्रेडिक्शन देना ज़्यादा सूटेबल है। तो हम बात कर रहे थे मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और मिथुन राशि के इस समय चौथे भाग में सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है, साथ ही तीसरे भाग में बुध मंगल शुक्र हैं, तो पराक्रम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इस पीरियड में। लड़ाई झगड़ा और लोगों से विवाद को दूर रखने की कोशिश करें, किसी से अननेसेसरीली उलझने की कोशिश ना करें। और चौथे हाउस में सूर्य चंद्र होने से आपको उदर से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है, माता के साथ कुछ विवाद हो सकता है, और बाकी शनि का भ्रमण बहुत अच्छा है। शनि आपके आठवें घर में चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। शनि का ट्रांजिट एट हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, बट सूर्य और चंद्र फोर्थ हाउस में बहुत वेलकम नहीं है, जिसके लिए थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं। करना क्या चाहिए? आपको दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्रोतम का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ये सिद्ध कुंजी का स्रोतम का पहला मंत्र है। सिद्ध कुंजी का स्रोतम आपको गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में 230 नंबर के पेज में मिल जाएगा। उसमें इस श्लोक का 108 बार जाप करें प्रतिदिन नवरात्रि में, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपके लिए आने वाला समय भी शुभ फलदायक और मंगलदायक होगा। हमारे कर्क राशि के जातक भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए रहेगा ये समय। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु जो है वो कर्क में ही चल रहे हैं, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता है कि इनका स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है। तृतीय भाग में लग्नेश चंद्रमा और सूर्य का भ्रमण हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है, पराक्रम की वृद्धि करेगा, आपको किसी तीर्थ यात्रा की तरफ भी ले जा सकता है, साथ में कोई शॉर्ट जर्नीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन पंचम स्थान शनि जो है वो आपको उदर की पीड़ा, संतान की तरफ से कष्ट और इमोशनली काफ़ी कुछ हर्ट करा सकता है, उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। आप जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें नवरात्रि में। नवरात्रि का जो पर्व होता है बहुत ही पावन पर्व होता है, क्योंकि हमारी कुल 12 राशियां हैं सब जानते हैं, और उसकी बीच की राशि आती है कन्या। जब कन्या में सूर्य और चंद्र का प्रवेश होता है तब नवरात्रि का प्रारंभ होता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, मतलब हम वर्षा ऋतु से शीत ऋतु की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ही तीव्र और डिवाइन होती है। इस समय यदि अगर हम शक्ति की कोई भी आराधना करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो कर्क लग्न के, कर्क राशि के जातकों से मेरी प्रार्थना है कि वो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जीवन में उन्हें अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि, इस समय सिंह राशि में बुध मंगल शुक्र चल रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो सकते हैं, किसी किस्म के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना बन सकती है, जिससे कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में अच्छा नहीं होता, हमारे जीवन में दुश्वारियाँ और परेशानियाँ लेकर के आता है। साथ ही दूसरे द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्र का भ्रमण हो रहा है, द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्र का भ्रमण जो है वो बहुत अच्छा है, धन को, धन की आवक को इंडिकेट करता है, लेकिन 12वें घर में 12th हाउस में राहु का होना आपको अनड्यू और अनवांटेड एक्सपेंसेस की तरफ ले जा सकता है। साथ ही गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएं, सर में किसी किस्म की चोट लग सकती है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंह लग्न जो है, तो सिंह लग्न का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य जो है वो नवों ग्रहों का राजा है, तो सूर्य के लिए हमको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। 11वां अध्याय जो है, अनुपमा जी मैं यहाँ आपको बता दूँ, वो देवताओं ने देवी माँ की स्तुति की है,
जब चंड मुंड रक्त बीज शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, इसके बाद देवताओं ने देवी माँ की जो स्तुति की और वो स्तुति सुनकर प्रसन्नता के बाद देवी माँ ने जो उनको वरदान दिया वो अध्याय 11 में। तो सिंह राशि के जातक आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पूरे 9 दिन अध्ययन करें, आपके लिए काफी अच्छा होगा और आप प्रशस्ति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? कन्या राशि, तो मैं सूर्य और चंद्र का भ्रमण हुआ है, इसी के साथ नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हुआ है, तो आपके लिए तो शुभ हो गई होगा, बहुत अच्छा होगा। तृतीय हाउस में शनि है जो कि आपको बहुत पराक्रमी बना रहा है, लेकिन इस पराक्रम के कारण लोगों से विवाद में ना पड़े, किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में ना जाएं। पंचम स्थान का बुध शुक्र और मंगल ये आपसे एक्सपेंसेस करा रहा है, लग्जरीज की तरफ आप पैसा खर्च कर सकते हैं, कंफर्ट्स के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन 12th हाउस में तीन प्लैनेट्स होने से आपको सर दर्द की शिकायत, माइग्रेन, रोड एक्सीडेंट में सर में चोट वगैरह की संभावना हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। इसके लिए उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, कन्या लग्न जो है वो देवी जी का बहुत प्रिय लग्न है, तो कन्या लग्न के जातक प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अष्टमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को और एक बालक को भोजन कराएं, भोजन में खीर, चावल की खीर अवश्य उनको दें, काफी अच्छा साबित होगा। कन्या के बाद हम आते हैं तुला राशि पर, तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उन्हें क्या करना है? तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है और शुक्र के जो मेन डाइटिक गॉडेस हैं वो गॉडेस दुर्गा जी ही हैं, तो तुला लग्न के जातक इस नवरात्रि में दुर्गा जी की साधना बहुत दिल से करें, बहुत ही आत्मा के साथ डेडिकेशन के साथ करें, उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय सूर्य और चंद्र दोनों 12वें में भ्रमण कर रहे हैं जिससे आपको खर्च की अधिकता हो सकती है, और सेकंड हाउस में शनि है जिसमें आपको चेहरे में कोई चोट या दांतों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और गुरु जो हैं वो आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो गुरु अभी 12 सितंबर से तुला राशि में आए हैं, तो तुला राशि के जातक 12 सितंबर 2017 से लेकर के 12 सितंबर 2018 तक अपना खास ख्याल रखें, इस समय उनको बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने की संभावना हो सकती है, दे कैन गो फॉर ओबेसिटी, तो वज़न कंट्रोल करने के जो भी उपाय वो कर सकते हैं वो करें, जैसे कि डीप स्लीप नंबर 1, 7 घंटे की, नंबर 2 वर्कआउट कम से कम 1 घंटे, एंड डाइट कंट्रोल, लेस कैलोरीज को लें तो इससे वो वजन ज्यादा नहीं बढ़ेगा और वो कंफर्टेबल रहेंगे। वैसे आजकल ये समस्या आम लोगों की भी बहुत है। खैर, हम बात कर रहे थे कि अब उन्हें करना क्या चाहिए, उन्हें क्या तुला लग्न तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र ही होते हैं, तो आप जो है वो अर्गला स्रोतम सिद्ध कुंजी का स्रोतम, पहले अर्गला स्रोतम का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती की किताब में मिल जाएगा, इसके बाद सिद्ध कुंजी का स्रोतम का पाठ करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना इसका पाठ करें, तो 3 छोटे छोटे से पाठ हैं, विधि वही है, एक घी का दिया बनाकर दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, वहां बैठकर सस्वर इसका पाठ करें, रेस्ट ऑफ द डेज अगले दिन से घर में ही दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दिया जलाकर सस्वर बोल करके इसका पाठ करें, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा, पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव होगी और लोग आपको बहुत गंभीरतापूर्वक लेंगे। इसके बाद हम वृश्चिक राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, कैसा रहेगा उनके लिए ये नवरात्रि का पर्व? वृश्चिक लग्न के लिए 11वें घर में सूर्य और चंद्र का भ्रमण हुआ है जो कि एक अच्छी इनकम को इंडिकेट करता है, एलिवेशन ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन नवम भाव में राहु है तो वो किसी किस्म की छद्म धार्मिकता की ओर जा सकते हैं, सावधान रहें, आजकल वैसे भी फर्जी बाबाओं का बोलबाला है, तो 9th हाउस राहु आपको किसी फर्जी बाबा के पास ले आ सकता है, इसके लिए सावधानी बरतें और हो सके तो अपने आप की ही साधना करें। भगवान नित्यानंद बहुत बड़े संत हैं, साईं बाबा के बाद हुए थे हमारे देश में, वो कहते थे आपको ध्याओ, आपको भजो, आपके राम आप ही के भीतर आप होके समाए हैं, तो आपके लिए जो उपाय है वो यही है कि अपने आप को फोकस करें, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, फर्जी लोगों से, फर्जी बाबाओं से दूर रहें, माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नेक्स्ट धनु राशि के जातकों की बारे में। हाँ, धनु राशि जो है वो 12 राशियों में सबसे रिस्पॉन्सिबल राशि मानी जाती है, धनु राशि के लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, धनु राशि के जातक को कभी भी कोई काम दो तो वो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करते हैं और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं, दे ऑलवेज गिव मोर देन 100% फ्रॉम देम टू अदर्स, और इनके लिए यह है कि 10वें भाव में सूर्य और चंद्र का भ्रमण हो रहा है, जो बेरोजगार लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं
उनको नौकरी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी होगी। और गुरु का जो ट्रांजिट है वो इनके 11th हाउस में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा लाइफ में एलिवेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ओवर एंड ऑल धनु राशि के जातकों के लिए नवरात्रि में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है। इसके फिर भी धनु लग्न के धनु राशि के जो जातक हैं वो माँ दुर्गा की उपासना के लिए किसी दुर्गा मंदिर में जाएं और 5 श्रृंगार की चीज़ें लेकर, जो शादीशुदा लोग हैं वो वाइफ के साथ जाएं, जो शादीशुदा नहीं है वो अकेले जाएं, 5 श्रृंगार की चीज़ें लेकर माँ दुर्गा का श्रृंगार अपने हाथ से करें और यह सामग्री वहीं छोड़कर दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि और नवरात्रि के बाद का पूरा समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि के बाद हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों। मकर राशि जो है वो राशि चक्र में 10वीं राशि होती है, इसके स्वामी शनि हैं, शनि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट माने जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में अक्सर ये तकलीफ देखी गई है कि उनके काम बहुत डिले होकर के होते हैं। नौकरी मिलेगी तो डिले होकर के, शादी होगी तो डिले होकर के, संतान होगी तो डिले होकर के, यदि अगर वो आईफोन खरीदना चाहते हैं तो वो भी उसमें भी डिले हो जाएगा, पैसे मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो इस डिले को रोकने के लिए नवरात्रि जो है उनके लिए एक वरदान की तरह है। इस नवरात्रि में वे पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ दिन में एक टाइम करें, उन्हें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक इकलौता ग्रंथ है जो आपको भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करता है माँ शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए। इस नवरात्रि मकर राशि के जातक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें, पाठ खत्म होने के बाद 7 कन्या और 1 बालक को भोजन कराएं, भोजन में चावल की खीर अवश्य हो, कल्याण होगा। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है और जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो कुंभ राशि के हुए हैं, जैसे कि भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कार्ल मार्क्स, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड मैनी मोर फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए इस समय गुरु का जो ट्रांजिट है वो नवम स्थान में हो रहा है। नवम स्थान गुरु जो है वो आदमी को उसके स्पिरिचुअल गुरु से मुलाकात कराता है, तीर्थ स्थान की यात्राएं कराता है और व्यक्ति में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को वो और एक्टिवेट करता है। तो आपके लिए गुरु का ट्रांजिट ऑलरेडी बहुत फेवरेबल है, लेकिन आपके लग्नेश शनि का जो ट्रांजिट है वो 10वें भाव में हो रहा है, जिसके कारण आपको व्यवसाय में, प्रोफेशनल लाइफ में, यदि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो, और यदि अगर आप व्यवसायी हैं तो, हर चीज़ डिले हो रही होगी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लेट हो रहा होगा। 7, 8, 9, 10 दुर्गा सप्तशती के 4 चैप्टर हैं, 7, 8, 9, 10 इसमें क्या है, शुंभ निशुंभ का वध, चंड मुंड का वध और रक्त बीज का वध, ये 4 अध्याय पढ़ें इस पूरी नवरात्रि में। 10वें शनि के कारण जो उनको काम में डिले हो रहा है, जो उनको प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले हो रहे हैं, वो डिले समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 9 दिन की गई साधना, आराधना, पूजा आपको पूरे साल सुरक्षित रखेगी, कल्याण होगा। आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं, मीन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। मीन राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत ही सहानुभूति देने वाले होते हैं और मीन राशि का जो स्वामी है वो होता है गुरु। और इस समय मीन राशि के 7वें घर में सूर्य और चंद्र का भ्रमण हो रहा है। सूर्य और चंद्र 7वें में रह करके आपको पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा वियोग दिला सकते हैं, थोड़े समय के लिए अलग करा सकते हैं। वजह क्या है, क्या सूर्य अलग पृथककारी जो, जी हाँ, सूर्य जो है वो पृथककारी ग्रह माना जाता है। अक्सर वर्किंग कपल्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं और एक की पोस्टिंग एक शहर में, दूसरे की पोस्टिंग दूसरे शहर में होती है, उनके सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अक्सर आपको सूर्य देखने के लिए मिलेगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मीन राशि के इस समय पंचम भाव में राहु का भ्रमण हो रहा है। पंचम भाव राहु जो है वो आदमी को बहुत इल्यूजन, कंफ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करता है, उससे दूर रहें। साथ ही पंचम हाउस का राहु आदमी को सट्टा, स्पेकुलेशन की टेंडेंसी देता है, जिसमें आदमी बहुत बुरी तरह से हारता है। तो सट्टा, स्पेकुलेशन, और जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें, 1.5 साल के करीब वो इसमें इन्वेस्ट ना करें, अच्छा होगा। अच्छा, और उन्हें करना क्या चाहिए? मीन राशि के जातक जो हैं उनको दुर्गा सप्तशती में दुर्गा चालीसा तो पढ़ें ही पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ने से पहले राम रक्षा स्त्रोतम का पाठ करें और दुर्गा चालीसा खत्म होने के बाद फिर राम रक्षा स्त्रोतम का पाठ करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा।
तो ये था 12 राशियों का हाल। इस नवरात्रि पर आप किस तरह से अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं देवी की आराधना करके, बहुत जरूरी जानकारियां गुरुदेव ने हमें दी। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में हमारे दर्शकों? इस नवरात्रि पर्व पर मैं आप सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप नारी का पूरा सम्मान है, नारी सशक्तिकरण की तरफ आगे आए और महिलाओं को बहुत इज्जत बहुत सम्मान दें, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में भी जो सारे राइट्स हैं वो देवियों के पास में हैं, जैसे फाइनेंसेस माँ लक्ष्मी के पास में, विजडम गॉडेस सरस्वती के पास में और पावर माँ शक्ति के पास में। तो सारा जो शक्ति है वो महिलाओं में निहित है। हमारे वेदों में एक लाइन आती है कि यत्र नारी पूज्यंते तत्र देवता वसति, जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ पर देवता बसेंगे। इस पूरे देवलोक का जो स्वामी है वो है इंद्र, वो देवेंद्र इंद्र भी दीपावली के दिन अपनी पत्नी शची को लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा करता है। तो जो व्यक्ति इस नवरात्रि में संकल्प लेंगे कि वे अपने घर परिवार समाज और देश की स्त्रियों को सम्मान करेंगे, उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जाएगी, माँ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आप लगातार बने रहिए glips.in के साथ। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, glips.in.